एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप लोग सब बढ़िया होंगे। सो आज मैं आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल लड़की से मिलाने वाली हूँ, जिसे मैंने आपको मिलाया था मेरे फर्स्ट ब्लॉग पे। मतलब मेरी लाइफ का मैंने जो फर्स्ट ब्लॉग बनाया अपने चैनल पे, वो उस लड़की के साथ बनाया है। और आज वो कितनी बड़ी हो गई है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो मिलिए इनसे। तो ये है दिव्यांशी कुमार भी, और ये मेरा करने वाली है आज मेकअप। हमने जो अपने लाइफ में फर्स्ट ब्लॉग बनाया था, मतलब मेरे ही चैनल पे, तो उस टाइम पे दिव्यांशी ने मेरा मेकअप किया था, है ना दिव्यांशी? हाँ। तो आज दिव्यांशी फिर से मेरा मेकअप करने वाली है। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे क्या लगा रहे हो दिव्यांशी? क्रीम। ओके, तो दिव्यांशी सबसे पहले मुझे लगा रही है मॉइस्चराइजर। आपको क्या लगाना है? निकाल दिया। कौन सा? अरे ये तो मार्क कर रही है, गलती से आ गया इसमें। चलो गाइस, सबसे पहले मैं लगाऊंगी प्राइमर। आपके पास जो मेकअप का सामान है उसमें प्राइमर है? नहीं, बस मेरे पूरा सेट है, लिपस्टिक है और एक आँख में लगाने वाला। जो आँख में लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? आई शैडो। और क्या क्या है? और गाल में लगाने वाला ब्लेंडर, खाली ऐसी ब्रश, उसका ब्रश। अब हम लगाएंगे कंसीलर। ये किस चीज से कर रहे हो आप? ये क्या है, इसका नाम क्या है? और मैं बोलूंगी तेरी शादी है क्या, जो गोरी गोरी दिख रही है, कितने तेरा मेकअप तेरा। फिर मैं कहूँगी, मैं क्या कहूँगी, मैं तो दिव्यांशी ने किया मेरा मेकअप। मत बोलना, आप बोलना मैंने खुद से कर रखा है। अच्छा ठीक हो गया। हाँ एरोप्लेन। ये पास आ रहा है ना? हाँ। बहुत अच्छे करते ये आपका। ऐसे मैं लेट रही हूँ, आप ऊपर को खड़ो, अच्छे से लगाओ मुझे। हाँ ऐसे कोई नहीं, आपको जहाँ जहाँ लगाना हम लगा दो। इस गाल में तो लगाया ही नहीं बेटा आपने। अच्छा इस ब्रश। ओके चलो, ये अच्छा लग रहा है। हाँ। ये बहुत सॉफ्ट है। अब मैं लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। कैसा लगा आपको? अच्छा। माय गॉड, लगाने का पकड़ने का स्टाइल भी बड़ा अलग है। हाँ ऐसे ही पकड़ते हैं। मैंने ना ये फॉर्म में देख रखा है, इसका कोई स्टूडेंट नहीं आया था, उसका मेकअप तो ऐसे ही करी थी। अच्छा ऐसे ही पकड़ रही थी। हाँ। मम्मी को बता दी, चलेगा मैंने लगाया आपको ना? हाँ चलेगा, बता दी चलेगा। इतना सारा मेकअप करके बैठी है ना? मम्मी तो यही सोचती है, मम्मी को पता भी नहीं होता है, चलता है। सुन लो मम्मी, मम्मी नहीं है यार, कैमरा है वो। हाँ चलो, आप क्या लगा रहे हो आप? इसके और आप मेरी ना आईब्रो कर दो। हाँ दिव्यांशी, आप मुझे कार्टून तो नहीं बनाओगे? पक्का दुल्हन बना रहे हो ना? नॉट बैड, अच्छा बना है। अब मैं लगा रही हूँ ब्लश। मेरी मामी ना, मेरी मामी को मोचर होता है। जैसे जाते जब बाजार में जाते हैं, पाउडर बनाती होंगी वो। पार्टी खाली ऐसी, जब भी बाजार जाए मैं जाते जाते। तो यहाँ पे दिव्यांशी मेरा आई मेकअप कर रही है, और ये कौन सा कलर है दिव्यांशी? ऑरेंज। ओके हाँ ऑरेंज ही है। लग गया ग्लिटर, डन हो गया। तो यहाँ पे मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, अब तो कुछ नहीं आना नहीं चेहरे पे पक्का। yes. अब हेयर स्टाइल बनाने हैं। हाँ। चलो ठीक है। सो गाइस कैसा लग रहा है जल्दी से बताओ, बेचारी ने इतना प्यारा आई मेकअप किया है, आई शेडो लगाया है, ग्लिटर भी लगाया है। अब मैं जल्दी से फेस वॉश करती हूँ, क्योंकि फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल हो जाएंगे मेरे। आजकल मेरे फेस में ना थोड़े पिंपल हो रहे हैं। तो अब हमारी प्यारी सी बच्ची की जिद थी कि नहीं भाभी मुझे आपके मेकअप करना है, मेकअप करना है ना।
दिव्यांशा सुबह से बोल रही थी भाभी मैं आपका मेकअप करूंगी मेकअप करूंगी, तो मैंने कहा चलो आज हम मेकअप करते हैं। दिव्यांशी पहले की तरह चुलबुली है या नहीं है? दिव्यांशी अब थोड़ी सीधी हो चुकी है ना, अब आप दिव्यांशी थोड़ा कम बोलती है, पहले दिव्यांशी बहुत बोलती थी ना। अभी भी बहुत बोल रही हूं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अट्टा मार्केट, और बुआ जी लोग परसों आए थे और थोड़ा काम के चक्कर में मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी, थोड़ा बहुत दिव्यांशी के साथ बनाया था, दिव्यांशी ने मेरा मेकअप किया था। तो हाय बुआ, हाय चाची, दिव्यांशी यहाँ पे नीचे, हाय। तो हम लोग जा रहे हैं अट्टा मार्केट। मैं दो बार व्लॉग शूट कर चुकी हूँ बट कैमरा ऑन नहीं किया। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, ये देखो यहाँ भीड़। चलो देखो दिव्यांशी ने रिंग ली है, कैसी लग रही है आपको? अच्छी, ये भी अच्छा लग रहा है, अगर आप लेना चाहो तो भगवान जी के लिए। हाँ ये भी सही है, ये कितने का? ये 25 का है, ये 30 का है। तो यहाँ आ गए हम दिव्यांशी की शॉपिंग के लिए। अभी हम लोग कहाँ पे बैठे हैं? दुकान में बैठे हैं ना। मैं परेशान हो गई हूँ, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे। मम्मी और बुआ लोगों के खत्म हो गई है, मैं तो पापा के साथ ही चले जाऊंगी। सब लोगों घर को आ चुके हैं, देखो अब थोड़ा बात देख लेना, शॉपिंग हो गई इनकी भी हो गई, हल्की फुल्की इनकी हो गई। मम्मी कैसे नाच रही है? तबला बजा रहे, तबला में आ गए। अब पीछे मम्मी ने कपड़े चेंज कर लिए, वहाँ पीछे बड़े पापा। केक भी खरीद लो, सब्जी मार्केट में वहाँ लगी है। और बेडशीट भी है यार यहाँ तो, बाई गॉड ये भी अच्छा है यार, यहाँ भी लगा है। मंगल बाजार चल दो यार, अभी हमारा ओम मंगलम कर देंगे, चलो घर को। आप ये राधा कृष्ण आ गए, मम्मी लोगों, मम्मी और पापा लोगों। नहीं है मम्मी और पापा। राधा कृष्ण ये देखो, और बिन्नी भाई है, बिन्नी भाभी और मयूर दादा, बिल्कुल वैसे लग रहे ना। अब भानुदा और आएंगे, ठीक है? भानुदा भाभी भाभी से चल, भाभी आगे से, भावना भाभी और भैया। अब अंजू ताई जी आई तातिया, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाया है वही तो, बहुत मेहनत का हमें। चलो दिव्यांशी आप मोमो खाएंगे ना? तो गाइस हम आ गए सेक्टर 50 से, यहाँ पे हम लोग खाएंगे मोमोज पिज्जा जो ये भी खाने को मिल जाए, फिर हमको घर जाके खाना भी बनाना है। हाँ अब हम मोमो खा लेते हैं, यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिल रहा है मोमो खाने को। क्यों? चलो दीपू क्या खाना है? पिज्जा। चलो भी आ जाओ, ये मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ पे मोमोज बॉक्स के, मुझे मोमोज बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पे 100 रुपए प्लेट है मोमो की, ये सामने मोमोज बॉक्स। दिव्यांशी मोमो खाओगे आप? नहीं, क्या खाने?
पिज्जा नहीं। बढ़िया करके हम लोग आ चुके हैं, अब हम जा रहे सीधे घर को। क्यों दिव्यांशी क्या है तुमको? अरे आज भाभी बैठेगी। चलो भाई आ चुके हैं घर पे।